हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। तो आज आपको अपने सामने दो मोस्ट सेलिंग हैचबैक दिख रही होंगी। i20 की बात कर लें तो भाई ये एन लाइन मॉडल है आपका। एन लाइन ये देख लो, यहाँ आपको एन लाइन की बैजिंग भी मिल जाएगी। ये है i20 की सेगमेंट में सबसे टॉप मॉडल। इससे ऊपर अगर आप i20 आज की तारीख में उठा के देखते हो तो कुछ नहीं आता है। और स्विफ्ट की बात कर लें तो ये है आपका VXI मॉडल, यानी कि बीच का मॉडल। अभी जो स्विफ्ट आ रही है वो है भाई डुअल जेट इंजन के साथ। उसकी परफॉर्मेंस तो नेक्स्ट लेवल है, उसे छोड़ दो। अपनी है 2019 मॉडल, 83 BHP की पावर निकालती है, 113 Nm टॉर्क के साथ 1.2 लीटर का इंजन आता है, सिंगल जेट इंजन। जो इंजेक्टर है वो एक ही इंजेक्टर है, और जो अब वाली स्विफ्ट आ रही है उसमें दो इंजेक्टर हैं। तो आपको पता है यार वो बहुत अच्छी भागती है, 90 BHP निकालती है वो। यहीं अगर इसकी बात कर लें i20 की बात, तो ये आती है DCT ट्रांसमिशन के साथ। अभी Hyundai का क्या है ना, DCT तो दे देता है लेकिन उस हिसाब से गाड़ियां नहीं ट्यून कर पाता। क्रेटा वाला इंजन नहीं दिया है इसमें। इसमें है 1000 cc का DCT इंजन जो कि निकालता है 120 BHP की पावर और 172 Nm का टॉर्क। 120 BHP वर्सेस 83 BHP मायने रखता है भाई। ये फर्स्ट सेकंड गियर तक तो i20 को दिखने भी नहीं देगी, इतना तो मैं अभी स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। लेकिन उसके बाद मेरी श्योरिटी नहीं है भाई। i20 का मेट अच्छा है, मैंने अभी इस वाला जो ये वाला ट्रैक है इस पे चला के देखी। तो एक बार मैं i20 के ओनर को बुलाता हूँ। i20 के ओनर ऋषभ भाई, कैसे हो? स्वागत है भाई चैनल पे। भाई आज आप रेस करने आए हो स्विफ्ट के साथ, जो कि आपकी निकालती है 120 BHP, ये निकालती है 83 BHP, 172 Nm, 113 Nm, 1000 cc, 1200 cc। तो पावर फिगर्स देखें तो आपकी गाड़ी में ज़्यादा है, लेकिन एक जो थोड़ा सा माइनस है वो DCT है भाई इसका। तो क्या लग रहा है आज आपको? वैसे तो DCT गियरबॉक्स परफॉर्मेंस के लिए बना है, बट Hyundai उसको ठीक से ट्यून नहीं कर पाई, चाहे वो क्रेटा हो चाहे वो i20 एनलाइन हो। बिल्कुल, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। वीडियो में बने रहें, आपको मजा आएगा। हाँ भाई बराबर कर लो, थोड़ी सी आगे कर लो भाई, बस 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 बस। तो भाई फर्स्ट राउंड शुरू हो रहा है, मैं और यज्ञ भाई बैठे हैं साथ में, उसमें जो है शुभम भाई और जो ऋषभ भाई हैं वो बैठ रहे हैं। सीट बेल्ट नहीं होती, सीट बेल्ट पहन लेते हैं भाई और फर्स्ट राउंड जो इसका शुरू करते हैं। अरे भाई ये तो बढ़िया गैप बना दी यज्ञ भाई। यज्ञ हाँ भाई, ट्रैक्टर आ रहा है तो ब्रेक ले रहे हैं। यज्ञ भाई आज पार्टी चाहिए देखो। अरे भाई आज आपके शहर आए हैं, ऊपर से एन लाइन को टक्कर दे रही है। कितनी मोस्ट डिमांडिंग ट्रैक रेस थी भाई ये तो, बहुत ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग। एन लाइन लाओ। अच्छा ऑफ कर देना आपकी बार, यहीं आ जाओ। तो देखा भाई आपने पहले राउंड का रिजल्ट जो है, अपनी स्विफ्ट आगे निकल जाती है। अभी भाई कह रहे हैं कि ट्रैक्शन ऑन रह गया था, लेकिन फिर भी देखेंगे कि कितना गैप बना पाती है जो आपकी ये है i20। पहले राउंड की वजह था तो स्विफ्ट रहती है भाई, दूसरा राउंड देखते हैं। अभी देखो अगर ट्रैक्शन ऑफ हो गया और सारी चीजें सही हो गई और फिर भी स्विफ्ट जीत गई ना, तो अलावत भाई इज्जत देखो बढ़ जाएगी। फिर तो मारुति को एक ही डिमांड रहेगी कि बिल्ड क्वालिटी ठीक कर लो। ये तो है, और ये जो चीज है ना, ये एसी ऑफ में तो इतनी भागती है। हाँ, नहीं भागती यार, मतलब क्या मेरे को ये डर है, ओनर ने कह दिया ना एसी ऑन करके करो तो मेरी हार जाएगी सारे राउंड। करेंगे पहले तो यही चलने दो भाई। सेकंड राउंड करते हैं भाई, इस राउंड की वजह था तो आपकी स्विफ्ट रहती है, सेकंड राउंड करके देखते हैं क्या रिजल्ट। भाई अपना सेकंड राउंड जो है वो शुरू कर रहे हैं। अब ट्रैक्शन ऑफ है ना भाई, ट्रैक्शन ऑफ है ना, सारी चीज है ना ठीक है भाई। एसी बंद कर लिया हमने भी। तो भाई सेकंड राउंड है ये, सेकंड राउंड में ट्रैक्शन वगैरह सब ऑफ हो गया है। ओनर ये बोलेंगे भाई 3-2-1 फिर हम शुरू करते हैं। रेडी 3-2-1 भाई, ये तो व्हील स्पिन में ही मार देती है। हाँ भाई, भाई साहब अब बताओ भाई कौन कमेंट कर रहा था भाई एक बार है ना N9 के साथ करके देखना यज्ञ भाई, तब देखते हैं आपकी गाड़ी भागती है नहीं। भाई ये तो सिंगल जेट वाली है, अगर वो ड्यूल जेट वाली होती। अरे i20 और गैप से हार जाती है भाई साहब, ये तो अंडर 80 में ही हरा देती है। हाँ भाई अंडर 80 में ही हरा देती है, और इतना गैप बना देती है कि वो आ ही नहीं पाए, वो नहीं आ पाएगी भाई। कोई लॉन्च वगैरह में कुछ ठीक था सब कुछ? सब सही था भाई, ये टर्बो की यही दिक्कत, टर्बो की दिक्कत है भाई। ये DCT ट्रांसमिशन ना DCT पकड़ नहीं पाती है, ये इंजन मैनुअल में होता तो पकड़ने नहीं देता किसी को। i20 मैनुअल? हाँ मैनुअल, ये इंजन। अच्छा सेम इंजन, हाँ IMT वाली आती है भाई दूसरी, IMT आती है ना वो। तो थर्ड राउंड करते हैं भाई, पीछे ही ले लेते हैं। हाँ भाई यहीं
एनलाइन जो है यार बेचारी नहीं पकड़ पाती, हालांकि देखो अच्छी पावर प्रोड्यूस करती है एनलाइन, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जो अपनी स्विफ्ट है वो इस ड्रैग को जीत जाती है भाई। अब करने वाले हैं हम थर्ड राउंड सेम ड्राइवर्स के साथ, एक में भाई एसी ऑन करके चला के देखें। भाई एसी ऑन भी कर लो कोई बात नहीं, पता तो चलेगा कि क्या सही में इतना डिफरेंस। भाई एसी ऑन में तो हारेगी अपनी, मैंने अभी वीडियो में ही बोल दिया एसी ऑन में तो हार जाएगी, और अगर उसमें भी जीत जाती है तो भाई तो फिर ठीक है, गाड़ी तो में रखा होगा सोदा तेरा अट्टे पे से 20 वाली गोल्ड ड्रिंक। ठीक है भाई ठीक है, तो भाई ये थर्ड राउंड है सेम ड्राइवर्स के साथ। चलो भाई अब इसमें ये तो पता चल जाएगा कि क्या सही में मारुति सुजुकी स्विफ्ट दबती है। दबती है भाई, देखते हैं, बाकी तो हो सकता है हरा भी दे भाई, हरा भी दे। चलो भाई क्योंकि अब गर्मी भी बहुत है ना, तो थोड़ी एसी की हवा भी खा लेंगे और एक राउंड भी हो जाएगा अपना। 3, 2, 1 अरे भाई 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 मैं बताऊं, एक्चुअल बताऊं तो बस इतना सा जो है इतना सा गैप कम भाई आ तो रही है, अलावा देख एसी में नहीं आ रही यार, नहीं आ रही, थोड़ा गैप कम हुआ है पर भाई गैप कम है भाई, भाई साहब यज्ञ भाई अब तो फुल खुश है भाई, मैं तो मार लो भाई ब्रेक मार लो, उम्मीद भी नहीं थी स्विफ्ट से, लेकिन विद एसी भी भाई इसने जो है एन लाइन को हरा दिया जो आपकी स्विफ्ट है। अभी देखो मैं बताता हूँ, अभी हमने नॉर्मल पेट्रोल के साथ तो कर रखी है, नॉर्मल पेट्रोल को तो अपनी स्विफ्ट ने बहुत ही बढ़िया गैप से हराया था, लेकिन जो डीसीटी है ये मेरे साथ इसके साथ मेरा करने का मन था कि भाई डीसीटी के साथ करके देखते हैं क्या रिजल्ट रहते हैं क्या नहीं, लेकिन भाई जो आपकी डीसीटी है ये भी हार जाती है। एक बार मैं जरा i20 के ओनर से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जब वो स्विफ्ट में बैठे हालांकि उन्होंने ड्राइव नहीं करा तो उन्होंने क्या पाया भाई बताओ जी। स्विफ्ट का जो इनिशियल पिकअप है ना, जो टॉर्क है जो स्टार्टिंग में मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं है, नहीं है। गाड़ी हल्की है, मैनुअल है, पेट्रोल इंटेक बिल्कुल डायरेक्ट इंजेक्शन में जाता है, सही बात है। ये एनलाइन वो नहीं कर पाती है इनिशियल पिकअप। यही अगर मैं सांगवान भाई को बुलाऊं जिनका खुद का भी एक यूट्यूब पे चैनल है, तो सबसे पहले तो कैसे हो भाई? भाई आपने लास्ट राउंड में स्विफ्ट चलाई, उससे सारे पहले राउंड आपने एनलाइन में करे, क्या पाया भाई? एक ही बात है भाई, जितना फायदा अपना स्विफ्ट को मिल रहा है मैनुअल और हल्का होने के लिए, उतना नुकसान उसको मिल रहा है भाई डीसीटी होने डीसीटी का। मैनुअल होती व्हील स्पिन मारती तो निकल जाती, क्योंकि इनिशियल में ही ये निकल जाती मैनुअल सेम इंजन में। हाँ सेम इंजन, इनिशियल में अपनी स्विफ्ट निकल जाती है। सही कह रहे हैं भाई। अपनी जनता को बताया कि आपका भी एक चैनल है, किस नाम से है भाई? मेरे नाम से, शुभम सांगवान के नाम से, लिंक यज्ञ भाई आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, जाना है, वीडियो देखनी है, पसंद करना है, उसके बाद लाइक करो, अपना सब्सक्राइब करो, अपना सपोर्ट करो, और कुछ नहीं चाहिए। तो यही हम चार जने थे रेस में इंक्लूडेड, ऋषभ भाई जो की ओनर है, शुभम भाई जो की गाड़ी चला रहे थे, यज्ञ जो की गाड़ी चला रहा था, और अलावत जो की गाड़ी में बैठा था। तो अलावत भाई आपकी एक ओपिनियन लेना चाहते हैं, आपने क्या पाया दोनों में बैठे हो आप, दोनों में से जरा डिफरेंस बता दो भाई। डिफरेंस डीसीटी का सबको पता ही है भाई, ये इतना अच्छा ट्यून होता नहीं है इनिशियल में, बस उठती नहीं है भाई ये, नहीं उठती, पर ये तो व्हील स्पिन में ऐसा धक 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 कर देती है इतने में तो ये गाड़ी चली जाती है, और वो भाई फिर उसकी बस की नहीं है, नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, चार जनों से आपने ओपिनियन सुन ली मेरे को इंक्लूडिंग, चारों ने आप अपनी ओपिनियन दी और सारी सही ओपिनियन है। तो यही कुछ वीडियो थी भाई, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत डिमांड करते थे एनलाइन के साथ करो। अभी नेक्स्ट रेस जो आप लोग डिमांड कर रहे हो वो है फोर्ड एस्पायर, तो फोर्ड एस्पायर को भी मैं जल्दी लाऊंगा वीडियो में, उसके साथ भी करके देखेंगे। एक्चुअली ना गाड़ियां मेरे पास 3 है, लेकिन डिमांड स्विफ्ट की, इसकी डिमांड इनोवा की और होंडा सिटी की कोई करता ही नहीं है, सब स्विफ्ट की डिमांड करते हैं भाई। तो देखते हैं भाई क्या रहता है क्या नहीं, यहाँ तक देखी तो बिना लाइक करे मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।